इंतजार में जोता एडवोकेट जनाब इमरान खान की कानूनी टीम के करीबी रुकन हैं। आज से चार हफ्ते कबल उनको अगवा किया गया और गुज़श्ता रात उनको बाजियाफ्त किया गया। जिस हालत में और जिस ड्रामे के जरिए उनको बाजियाफ्त किया गया, ये शर्मनाक है और हम सबको ये बताता है कि हम इस मुल्क में गुलाम हैं। हमारी जिंदगियों के साथ कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी खिलवाड़ हो सकता है और हमसे ये तवक्को है कि हम अच्छे बच्चे बनकर सर झुकाकर मुती और फरमाबरदार हो जाए। आज हमारे सामने एक वहशत ज़्यादा चेहरा है, एक उस शख्स का चेहरा है जिसने इमरान खान का साथ दिया, जो एक कानून का तालिब इल्म है, कानून दान है। उसके साथ जो कुछ हुआ, जो जख्म उसको पहुँचाए गए, ये सब जख्म हमारी शराफत पे लगाए गए हैं, ये जख्म हमारे कानून के तसव्वुर पे लगाए गए हैं, इंसानियत के तसव्वुर पर लगाए गए हैं। एक झूठे इनकाउंटर के जरिए कहा गया कि हमने उनको बाजियाब किया है, मगरबी जो था उससे तावान मांगा गया। यहाँ ये हकीकत है कि खानदान से किसी ने कभी एक रुपया भी इन चार हफ्तों के दरमियान नहीं मांगा। ये सब झूठ पर मबनी एक कहानी है। असल अगवाकार कौन है आप और मैं जानते हैं। अब हमने ये फैसला करना है कि क्या हमने ऐसे ही जिंदगियां गुजारनी है। कल आप अगवा होंगे, उससे अगले दिन मैं अगवा हो जाऊंगा, उसके बाद इसी हालत में बेचारगी के आलम में हमें ढूंढा जाएगा, हमें पेश किया जाएगा, हमारे वीडियो बनाए जाएंगे, हमें तमाम दुनिया के सामने एक इबरत का निशान बनाकर पेश किया जाएगा। क्या ये जिंदगी है जो हम गुजारना चाहते हैं इस मुल्क में? क्या यह है पाकिस्तान का मकसद, पाकिस्तान का तसव्वुर जिसके लिए हम कोशा हैं? तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप सबसे, मेरे बहनों भाइयों, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, जो कोई भी पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, सोचे कि आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है।